रीवा से मैहर माँ शारदा माता का दर्शन करने, आज रीवा के चिरौला से 101 लोगों का दल पैदल माता के भजन में नाचते गाते हुए निकला है, जो 3 अक्टूबर को पट खुलने के साथ ही दर्शन करेंगे। दल के लोगों ने बताया कि हमारा माँ शारदा ग्रुप है और खुद की ही प्रेरणा से माँ शारदा के पैदल दर्शन करने की योजना बनी है। पहले तो 51 लोग ही यात्रा करने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर 101 हो गई। 3 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, ऐसे में स्थानीय देवी देवताओं के स्थानों के साथ ही विंध्य के मैहर में विराजमान माँ शारदा के दर्शन करने लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। भगवा वस्त्र हाथ में पताखा और नंगे पैर ही पैदल यात्रा लोग कर मैहर पहुंच रहे हैं। ऐसी ही यात्रा रीवा के माँ शारदा ग्रुप ने शुरू की है, जो 3 अक्टूबर को माँ शारदा के दर्शन उपरांत मैहर में समाप्त होगी। आप लोग पैदल यात्रा मैहर की जा रहे हैं, कितने लोग हैं? हम लोग 101 लोग हैं। पैदल यात्रा रहेगी माई के धाम तक, और पैदल यात्रा में कुछ लोग नंगे पैर हैं, कुछ लोग चप्पल जूते के साथ हैं। नाचते गाते हुए ये माता जी की आपको सामने झांकी दिख रही है। यहाँ पे हम लोग आरती करके निकले हैं और जहाँ पे विश्राम होगा इसके उपरांत हम लोग नहा धुल के फिर से माता जी की आरती करेंगे। और बड़े ही भावपूर्वक हमारे साथ जो 101 भक्त हैं, सभी आपको सनातनी ड्रेस में वेशभूषा में दिख रहे होंगे। और हम लोग 3 तारीख को सुबह जो पट खुलेगा माता रानी का, नवरात्रि लग चुकी होगी तो दर्शन हो जाएंगे माता रानी के। ये चिरौला मंदिर से, राम सागर मंदिर से होते हुए। क्या मन्नत थी? कोई मन्नत नहीं है, बस एक अपना ग्रुप है माँ शारदा ग्रुप, और उसी के तत्वाधान में ये हम लोग सभी यात्रा कर रहे हैं। कहीं से अचानक मन में बात आई कि ऐसा करना चाहिए, चूँकि अब हमारा भारत भ्रमण हो चुका है और हमेशा तीर्थ यात्रा में रहा आता हूँ, और ये पैदल यात्रा अभी बोलबम की हम लोगों की थी, इसके पहले हमेशा चलती रहती है हर सावन मास में। तो ये हुआ कि एक बार माता जी के दरबार में भी जाएं, सब लोग प्रेरणा पाएंगे इससे। जो अपने मैहर यात्रा तो पैदल पहली बार हो रही है जी। राजू त्रिपाठी।